नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा, और चलिए रुक करते हैं खबरों का। सूरजपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से महत्वाकांक्षी योजनाओं में उनकी ड्यूटी लगाने की मांग की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए कहा। भारत सरकार के निर्धारित न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 18,000 और सहायिका को 9,000 रूपए दिए जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिक पाठशाला की मान्यता दी जाए। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, 7-8 अगस्त जुलाई में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई थी और इसमें पूरे देश के सभी कार्य समिति के लोग आए और उसमें तय किया गया कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं का जो प्रमुख रूप से मांग है, ये 7 सूत्रीय मांग है। ये 15 सितंबर 2021 को पूरे देश में धरना प्रदर्शन करके यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। और इसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग है कि कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। और दूसरा प्रमुख बात यह है, पिछले 15 फरवरी को भी इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। वह यह है कि मई 2020 में केंद्र सरकार की जो नीति है, नई शिक्षा नीति को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी कार्यकर्ता से का यह जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अयोध्या में राष्ट्रीय भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक हुई थी, कार्य समिति संपन्न हुई थी, उसमें पूरे देश में और महंगाई और मूल्य वृद्धि के संदर्भ में एक आंदोलन, एक शंखनाद किया गया था। 9 सितंबर को चूँकि अब ज्ञापन देना था, तीज का त्यौहार पड़ने के कारण से और पूरे छत्तीसगढ़ में ये ज्ञापन आज 15 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों